हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपने डेबियन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नेग्योस नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेग्योस को कॉन्फिगर करने के लिए SSH सर्वर को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जब हम लोग नेग्योस को कॉन्फिगर करते हैं तो उसके लिए हमें SSH सर्विस का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाता है। अगर हम लोग रिमोटली नेग्योस को कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रूट सर्विसेज का इनेबल होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में SSH सर्विस को किस तरह से इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने नेग्योस नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने टर्मिनल पर जाना है और यहाँ सबसे पहले एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज़ SSH। तो यहाँ पर SSH क्लाइंट हमारा वर्क कर रहा है, बट अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर जब हम लोग सर्विसेज एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है, उसमें हमें मैसेज देता है कि SSH कुड नॉट बी फाउंड। इसका मतलब यह है कि हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी SSH सर्वर इंस्टॉल नहीं है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज़ sudo apt install SSH। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देता है एंड यू कैन सी हमारा SSH सर्वर यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। नाउ हम लोग इसके सर्विसेज का स्टेटस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड sudo systemctl status SSH। तो ये सर्विस अब हमारी एक्टिव हो चुकी है, साथ ही persistent enable भी। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपना सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो ये सर्विस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हम लोग एक बार SSH करके देखते हैं कि हमारे यूजर पर ये SSH वर्क कर रहा है नहीं। सो उसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज SSH यूजर नेम @localhost, जो कि हमारा करंट यूज़र हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से यस करते हैं और पासवर्ड देते हैं तो हम लोग अपने करंट यूज़र से SSH के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं। अगर हम लोग डब्ल्यू कमांड से चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक टर्मिनल SSH लॉगिन के थ्रू यहाँ पर शो कर रहा है। सो हमारा लोकल हॉस्ट पर ये वर्क कर रहा है। चलिए एक बार हम लोग IP के थ्रू भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा IP पे वर्क कर रहा है या नहीं। सो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ifconfig कमांड से अपना IP एड्रेस चेक कर लेते हैं, जो मेरे केस में 192.168.184.186.146 है। एंड नाउ इसको SSH से चेक करते हैं। सो उसके लिए कमांड हमने देनी है SSH यूजरनेम @IP address। सो यहाँ देख सकते हैं कि IP एड्रेस पर भी वर्क कर रहा है। और अगर हम लोग W कमांड या लास्ट कमांड से चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक लॉगिन स्टेटस शो कर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रूट के लिए वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज SSH रूट @IP address, जो कि हमारे लिनक्स सर्वर का ही है। सो गिव इट टू द पासवर्ड, और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि परमिशन डिनाइड। इसका मतलब यह है कि अभी SSH जो है हमारा लोकल यूज़र के लिए तो वर्क कर रहा है, बट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो रूट यूज़र है उसके लिए सर्विस अभी इनेबल नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बिकॉज जब हम लोग नेग्योस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर हमें रूट यूज़र की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि नेग्योस हमें रूट यूज़र से लॉगिन करने के लिए फोर्स करता है। तो रूट यूज़र को किस तरह से इनेबल करते हैं, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज़ sudo nano /etc/ssh/etc/sh/d_config। तो इससे हम लोग SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करना है परमिट रूट लॉगिन। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन हम लोगों को यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक एंटर हिट करके जस्ट इसके नीचे ही हमने कमांड राइट करनी है, परमिट रूट लॉगिन और यस। चाहे तो आप इसे ऊपर अनकमेंट करके भी इसको यस कर सकते हैं, दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों पर जो अथॉरिटी है वो रूट के लिए इनेबल हो जाती है, जिससे कि हमारा जो रूट यूज़र है वो हमारा SSH से अब एक्सेस हो सकता है। सो सेव दिस फाइल एंड रीस्टार्ट SSH सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ कमांड systemctl रीस्टार्ट SSH। तो ये सर्विस हमारी अब रीस्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। एंड नाउ अब हम लोगों ने अगेन कमांड एग्जीक्यूट करनी है, विच इज SSH रूट @IP address एंड गिव इट टू द पासवर्ड। सो यू कैन सी हेयर अब हमारा रूट यूज़र से भी लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग चाहें तो W या लास्ट कमांड से इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम इसका स्टेटस को। तो इस तरह से हम लोग अपने डेबियन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में SSH रूट को भी इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो रूट यूज़र है वो SSH सर्विस पे इनेबल हो जाता है, और हम अपने रूट यूज़र को SSH के थ्रू अब अपने नेटवर्क में कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने नेग्योस की कॉन्फ़िगरेशन को कहीं से भी कॉन्फिगर कर सकते हैं रिमोटली। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।